और वहीं राजस्थान से 1600 किलो का गदा और 1100 किलो वजन का रामधनुष अयोध्या में जा रहा है। राम मंदिर में धनुष की पूजा होगी तो वहीं हनुमानगढ़ी में गदा की पूजा अर्चना की जाएगी। आपको बता दें कि विशाल गदा और विशाल धनुष के साथ रामरथ यात्रा आचार्य डॉक्टर सरस्वती गौड़ की अध्यक्षता में चल रही है। दरअसल रामरथ अयोध्या यात्रा शिवगंज सिरोही राजस्थान से शुरू हुई, जिसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के महासचिव चंपत राय और विश्व हिंदू परिषद राजस्थान के संगठन मंत्री, पंचायती राज, ग्रामीण विभाग, विकास विभाग के राज्य मंत्री ओटाराम दिवासी, सांसद जालोर सिरोही लुम्बराम ने विशेष हवन पूजन कर इस यात्रा को आगे बढ़ाई। विशेष गदा और धनुष जो है राम मंदिर में रखा जाएगा और 1100 किलो का धनुष ये बताया जा रहा है, वही 1600 किलो गदे का वजन बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राम मंदिर निर्माण का रास्ता क्लियर करने के बाद ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चाहे पत्थर बाहर से आना हो, चाहे मूर्ति आना हो, चाहे अगरबत्ती आना हो या फिर घंटा आना हो, और ऐसे तमाम चीज़ें जो बाहर से अयोध्या पहुंची और राम मंदिर में उसका इस्तेमाल हुआ। अब जब अयोध्या सियासी उलटफेर को लेकर चर्चा में है, ऐसे में राजस्थान के सिरोही जिले से राम मंदिर के लिए एक विशाल धनुष और हनुमानगढ़ी के लिए विशाल गदा अयोध्या लाया जा रहा है। यह दोनों आगरा से होते हुए लखनऊ के रास्ते अयोध्या जाएगा, जहां पर इसकी अच्छे से पूजा और पूरा सिद्धि से पूजा करके इसे वहां पर स्थान दिया जाएगा। हमारे साथ जिनकी अध्यक्षता में ये गदा और धनुष लाया जा रहा है, आचार्य सरस्वती गौड़ जी, हम इनसे जानेंगे कि क्या उसका वजन है और क्या लंबाई चौड़ाई है और जो भी ये रखा जाएगा कहाँ पर रखा जाएगा। जी, सिरोही से हम लोगों ने एक राम रथ के साथ में एक यात्रा का प्रभाव हमने प्रारंभ किया। हमारे आस्था के प्रतीक के रूप में भगवान राम का धनुष और हनुमान गदा। भगवान राम के धनुष का जो वजन है वो 1100 किलो है और 1600 किलो का हनुमान गदा है, और दोनों ही जो जिस पंच धातु में दोनों का निर्माण करवाया गया है। लगभग 2 दर्जन से अधिक कारीगर पिछले अपनी रामनवमी से लेकर अब तक लगातार कार्य उसको करके उसको संपूर्णता दिया गया है, और 12 तारीख को राम रथ का प्रस्थान जो सिरोही शिवगंज से करवाया गया है, जो अनवरत पूजा अर्चन के साथ में विभिन्न क्षेत्रों पर होते हुए अभी आज लखनऊ पहुंचा है और कल ये अयोध्या पहुंचेगा। क्या लंबाई चौड़ाई है गदा और धनुष की? जो धनुष है वो 31 फुट तो ऊंचा है और जो गदा है वो 28 फुट जो है उसकी लंबाई है उसकी। जैसे बात चल रही है कि जब वो अयोध्या ले जाया जाएगा, आपने कहा पूजा अर्चना के बाद रखा जाएगा, कहाँ पर रखा जाएगा? क्योंकि राम मंदिर में जो राम लला की मूर्ति वो छोटी है, ऐसे में धनुष कहाँ रखा जाएगा? हनुमानगढ़ी में भी जगह कम है और ऐसे में गदा कहाँ पर रखा जाएगा? क्या इसकी भी कोई पहले से योजना है या फिर ये मंदिर का ट्रस्ट तय करेगा? देखिए, जब मन में भाव उमड़ा तब तो कोई योजना नहीं थी, लेकिन भगवान राम की कृपा ही कहिए कि विश्व हिंदू परिषद के राजा राम जी भाई साहब हैं जो हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री हैं वहाँ पर राजस्थान में, हमने अपनी दुविधा उनके सामने रखी और कहा भाई साहब भाव से तैयार किया है, ना सोना है ना चांदी है ना हीरो है मोती है, पंच धातु की कुछ हमने बहुत ही सौंदर्य के साथ में बहुत प्यारी सी एक वस्तु तैयार करी है, हनुमान गदा और भगवान राम का धनुष। तो उन्होंने हमसे पूछा आप क्या चाहते हैं, हमने कहा हमें सिर्फ इतना सी परमिशन चाहिए कि हमारी दोनों वस्तुएं अंगीकार हो। तब उन्होंने हमें बताया कि भगवान राम का जो ये मंदिर है ये 1100 एकड़ में विस्तारित हो रहा है, तो उस विस्तारित क्षेत्र पर इन दोनों को एक यथा योग्य स्थान प्रदान किया जाएगा जिसे संपूर्ण विश्व देखेगा और भगवान राम के दर्शन के बाद में ये भी एक दर्शनीय स्थल के रूप में, एक दर्शनीय प्रतीक के रूप में माना जाएगा।
सुना आपने, आपको बता दें कि अयोध्या पहले से ही ऐतिहासिक और अद्भुत नगरी रही है, लेकिन जब से ही वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण हुआ है उसके बाद से ही वहाँ पर ऐसी तमाम चीज़ें और वस्तुएं और ऐसे तमाम संसाधन आपको कहें कि रखे गए हैं जो खुद ही को एक प्रदर्शनी के रूप में देखे जा सकते हैं। ऐसे ही ये जो विशालकाय गदा और विशालकाय धनुष है ये भी लोगों के लिए एक अच्छी देखने वाली वहाँ पर वस्तु या फिर शस्त्र रहेगा। कैमरामैन राहुल के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ।